हो रहा है, तो जो भी इस शो पर आएगा और इस चेयर पर बैठेगा उसे उसके मुंह से हम निकलवाएंगे। ये आई थिंक कॉमेडी नाइट्स बचाओ जो कलर्स पे आ रहा है वो अपने आप में एक अनोखा शो है, बिकॉज इसमें हम टांग खिंचाई की ह्यूमर कर रहे हैं। एक जो भी आएंगे हमारे गेस्ट, जो भी सेलिब्रिटी गेस्ट आएंगे, उनकी हम टांग खिंचाई करेंगे, उनको उनकी उनकी शख्सियत के बारे में या उनके कामकाज बारे में हम मस्ती करेंगे, जोक करेंगे। सो आई थिंक ये अपने आप में जो गेस्ट भी आ रहे हैं उनको भी पता है कि उनके साथ क्या होने वाला है, और हम चाहेंगे कि उनके मुंह से बचाव निकले उतनी हम खिंचाई करें। और उसका मेन मूलभूत हमारा यही है कारण कि हम लोगों को हंसाना चाहते हैं, और ये ह्यूमर ऑफ इंसल्ट है, एंड आई एम श्योर लोगों को मजा आएगा। काफ़ी शो आ चुके हैं कॉमेडी पे लेकर, हर चीज़ आ चुके हैं, लेकिन इसमें काफ़ी चैलेंज है, कॉमेडी काफ़ी सारी शो है, इस बार अलग से हट के आपने क्या ऐसा रखा जो बिल्कुल हट के? सर हमने फोकस यही किया है कि हम गेस्ट जो भी आए इनकी इतनी खिंचाई करें कि उनके मुँह से बचाव निकल जाए। आई डोंट थिंक कोई भी शो ऐसा है कि जो आज उस पर फोकस करता है कि गेस्ट आए और गेस्ट की शख्सियत पे हम इतनी मस्ती करें, इतनी मजाक करें कि उनके मुंह से आवाज़ निकले कि भाई अब मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। सो आई थिंक ये इसके साथ साथ, क्योंकि हर लाइन पे ह्यूमर हो, हर लाइन पे पंच लाइन हो, वो हमारा मेन यह है कि मुझे लगता है कि वो दूसरों से बहुत ही अलग हो जाएंगे। इसमें आएंगे कृष्णा है, भारती है, सुदेश है, मुबीन है, अनिता हसनंदानी है, पूजा बोस है, करण वाही है। सो आई थिंक ऑलमोस्ट सब बड़े बड़े नाम है, वो सब है जो आपको हंसाएंगे और हर हफ्ते मनोरंजन कराएंगे। इसके अलावा क्या सर शो चालू है बिल्कुल यार? आई थिंक अभी मैं कॉमेडी नाइट्स बचाओ के बारे में बोलना चाहूँगा, बिकॉज वो अच्छा रहेगा इनको। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। शो की लॉन्चिंग है, बहुत एक्साइटेड हैं। कॉमेडी नाइट्स बचाओ 5 सितंबर से रात को 10 बजे कलर्स पे आ रहा है, ज़रूर देखिएगा, और आपको देखना ही है ये शो। इट्स अ वेरी डिफरेंट शो, डिफरेंट इसीलिए कॉमेडी सर्कस से इसलिए डिफरेंट है, या कॉमेडी नाइट ऑफ कपिल्स इसलिए डिफरेंट है क्योंकि वहाँ हम थोड़ी बहुत ज़्यादा गुडी गुडी बातें करते थे, यहाँ पर थोड़ी बैडी बैडी बातें करेंगे, थोड़ी स्वीट एंड सार, हल्का फुल्का मसालेदार, मज़ा आता है ना उसमें, थोड़ा अलग होना चाहिए जी। मैं बस यही कहूँगा कि आप हमारा शो देखो, अगर नहीं देखा तो आपको भी हम कुर्सी पे बिठाएंगे क्योंकि ये कुर्सी एक ऐसी है कि यहाँ पे सेलिब्रिटी ही बैठते हैं। और बाकी रही बात कि ये फैला हुआ है हर जगह कि इंसल्ट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, देखो ये हमारा शो अलग किस्म का है, हमारी भी कुछ मजबूरियाँ हैं, हमने भी पैसे लिए हुए हैं। सही बात है। हाँ, तो जो सुनने आ रहा है उसको भी सुनना है, जो हमको हम बोलेंगे वो हमको भी बोलना है। हाँ, उनको भी बहुत मजा आएगा, बहुत अलग तरीके का। हाँ, ताकि नए लोग आए उनको भी चांस मिले, क्योंकि अगर कोई सेलिब्रिटी ना आए उसकी बेइज्जती करने का हमें मौका ना मिले तो कुछ अपने साथ भी रखे हुए, कम से कम उनकी तो बेइज्जतियाँ करें। हाँ सही बात है। नहीं, हमेशा हम हमेशा एक दूसरे से टांग खींचते रहे हैं, इसमें कुछ ज़्यादा खींची जाएगी क्योंकि शो ही उस तरीके का है, और हम इस बार बोल के खींचेंगे। लहरी जी के बारे में मतलब क्या कहूँ, ये मतलब अभी करवा रहे हो आप, कुछ भी लड़ा रहे हो आप, ये बातों से देखे, जो भी बातों से जैसे कैसे भी हूँ, बातों से कैसे भी हो, दिल के सुदेश जी बहुत ही कमीने इंसान, बहुत सालों से मैं साथ में काम यार कर। फिर ये वो लड़ा रहे हैं, तुम लड़ रहे हैं, छोड़ो पाजी, ये क्या है यार, ये क्या कर रहे हो? क्या मैसेज देना चाहेंगे ज्यादा? मैसेज हम यही देना चाहते हैं कि हमें अपना मोबाइल नंबर दे दो, हम मैसेज भेज देंगे आपको, और मैसेज में यही लिखा होगा कि 5 सितंबर को आप हमारा शो देखो, कॉमेडी नाइट्स बचाओ रात 10 बजे, यही हमारा मैसेज है, और आप हंसते रहो, हम हंसाते रहें, और हम पैसे भी कमाते रहें, आप देखेंगे हमारी TRP बढ़ेगी, यही मैसेज है जी। बिल्कुल, ये बहुत ही कमाल का शो है, ऐसा शो अभी तक आप लोगों ने देखा नहीं होगा, ऐसा सब लोग बोलते हैं, लेकिन वाकई में इस शो में ऐसा होने वाला है, क्योंकि जो भी आएगा सबके मुंह से ये निकलने वाला है, बचाओ। मैं बस ये कहूँगी कि लोग कहते हैं कि उन्हें दूसरों का मजाक उड़ाना, उनकी टांग खिंचाई पसंद नहीं है, लेकिन शो सभी देखेंगे, क्योंकि आखिर में जब किसी और की टांग खींचती है तो मज़ा तो सभी को आता ही है, तो हम
हमारी कोशिश रहेगी कि ऑडियंस भी हमारी टांग खिंचाई का लुत्फ उठाएं, और आई होप कि ये शो उतना ही पॉपुलर हो जितना कि हमारी पास्ट शोज हुए हैं। कॉमेडी करना और एंकरिंग करना कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पर एक टेलीप्रॉम्प्टर होता है, उससे पढ़कर आप निकल सकते हैं, लेकिन कॉमेडी में स्क्रिप्ट को लर्न करना, एक टेक में पूरी परफॉर्मेंस देना बहुत अंतर है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सही टाइमिंग के साथ करना काफ़ी डिफिकल्ट जॉब है, लेकिन अच्छे मंझे हुए एक्टर्स के आस पास रहकर थोड़ा सीख भी जाएंगे। भारती है, लेडी डॉन है, उनके सामने कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है, मैं कोशिश भी नहीं करूँगी, भारती से कोई टक्कर नहीं लेता। आप क्या कहते हैं भारती के बारे में? भारती कमाल की फीमेल आर्टिस्ट, बहुत ही कमाल है, कमाल है, बहुत इतने ज़्यादा स्पॉन्टेनियस है, बहुत अच्छी कॉमेडी करती है, बहुत अच्छी एक्टिंग करती है, और जो अपने को आर्टिस्ट को बहुत अच्छा सपोर्ट करती हैं। जी बिल्कुल, मिमिक्री के लिए जैसे मुझे जाना जाता है, तो अभी आपने देखा अनीता के साथ में कुछ करने की कोशिश कर रहा था, मैं यही कहूँगा भाई बाजीराव सिंघम मेरी ज़रूरत है कम, इसलिए मेरे जबीर पे एकदम, अब जो भी आएगा वो यही कहेगा बचाओ। वेल ये भी फैमिली शो ही है, लेकिन बहुत ही कॉमेडी में एंट्री, बहुत ही मज़ेदार, बहुत डिफ़िकल्ट होता है कॉमेडी करना, तो ट्राई कर रही हूँ, आई होप मैं मैनेज करूँ, क्योंकि डेफिनेटली इतने मंझे हुए एक्टर्स हैं हमारे साथ, तो डेफिनेटली उनसे बहुत कुछ सीखने को तो मिलेगा ही। बहुत मुश्किल है, जैसा कि श्रुति ने कहा, टाइमिंग मैटर्स, पंचेज मैटर, सब यू नो सिंक में होना चाहिए, तो डेफिनेटली कॉमेडी इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। जी हाँ, आई एम श्योर उन्होंने मुझे एक नेगेटिव रोल में भी प्यार दिया है, तो डेफिनेटली इसमें तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, बहुत इन्जॉय करेंगे, एंड उनको बस यही कहना चाहूँगी, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, कीप इट कमिंग। वेल कॉमेडी में तो जॉनी जी, जॉनी लिवर जी, आई थिंक ही इज़ फैंटास्टिक, और जिनसे ऑलरेडी मुलाकात हो चुकी हो तो मैं कहूँगी भारती, शी इज़ ब्रिलियंट। वेल वो बहुत ही प्यारी हैं, सबसे बहुत अच्छे से रहती हैं, एंड परफॉर्मेंस के ही रहती हूँ, तो शी इज़ वेरी वेरी सपोर्टिव, इनफैक्ट सभी बहुत ही सपोर्टिव हैं, एंड मुझे बहुत खुशी है, बहुत ग्लैड हूँ कि मैं इस शो का हिस्सा हूँ। थैंक यू।